50% अधिक और जीवन निर्वाह प्लस उच्च क्रियाशीलता 75% अधिक गहन पद्धति और पहाड़ी चरागा, ये चराने के पद्धति पे है कि उसको आप कितना कितना बॉडी वेट पे कितना कितना TDN फूड प्रोटीन कैल्शियम फास्फोरस वगैरह दोगे, वो ये चार्ट में दिया हुआ है। ये आपका चार्ट जो है ये 210 पेज पे 211 पेज पे दिया हुआ है, तो इस चीज़ को आप याद कर सकते हो। अब एक चीज़ बच गई जो बकरी पालन में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपकी बुक में नहीं दी हुई है। ये जो चीज़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपकी बुक में नहीं दी हुई है, दूसरी बुक में है, लेकिन मैं आपको इसको समझा देता हूँ। जब आप क्लास में जब आपका कॉलेज लगेगा तब आप ये नोट्स मेरे से ले लेना, मैं आपको ये लिखवा भी दूँगा। अभी मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है। यानी बकरियों को पालने और खिलाने के तरीके जो हैं, सिस्टम्स ऑफ रियरिंग एंड फीडिंग ऑफ गोट्स, ये चार प्रकार के तरीके हैं बकरियों को खिलाने और रियर करने के। वो है एक्सटेंसिव फीडिंग सिस्टम, इंटेंसिव फीडिंग सिस्टम, और एक होता है सेमी इंटेंसिव फीडिंग सिस्टम, और एक होता है टीथरिंग सिस्टम। तो अब क्या होता है एक्सटेंसिव फीडिंग सिस्टम में, इसमें एक बहुत बड़ा फ्लोक होता है पशु पालक के पास में या बकरी पालक के पास में, बहुत बड़ा फ्लोक होता है जिसमें 50, 100, 150, 200 बकरियां हो सकती है, और उसको बहुत दूर तक चराने ले जाता है। वो मालिक जो है वो बकरियों को बहुत दूर तक चराने ले जाता है जहाँ पे उसको चरने को मिलता है। यानी ये तरीका जो है ना, ये चराने का आसान तरीका है, सुविधाजनक है, सस्ता है, और इस तरीके से चराने में क्या वीड का कंट्रोल होता है। अगर वीड कंट्रोल होता है तो खरपतवार नियंत्रण पे भी काबू पाया जा सकता है, और ये सर्वोत्तम जो बॉडी की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ाने वाला है। क्यों बढ़ाने वाला है? क्योंकि बकरी जो है उस ज़मीन पे जहाँ आप चराते हो वहाँ पे मींगनी करती है बकरी, तो उससे क्या उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है, और उससे रिसोर्सेज के यूज़ बढ़ते हैं, रिसोर्सेज जो है उनके यूज़ बढ़ते हैं। ये हो गया एक्सटेंसिव फीडिंग। एक होता है इंटेंसिव फीडिंग। इंटेंसिव फीडिंग में क्या है, इसमें स्टाल फीडिंग होती है, मतलब बाड़े में फीडिंग करते हैं, यानी बाड़े में बकरियों को चराते हैं, आवश्यकता अनुसार फोडर और कंसंट्रेट उसको देते हैं, मतलब बकरियों को अपने घर पे बाड़ा बना लेते हैं, बाड़े में फोडर और कंसंट्रेट ला के उसको चरा देते हैं। वहाँ पर 4 से 6 घंटे में बाड़े में रखकर कुछ न कुछ खिलाते रहते हैं, यानी पोषक तत्व तो जैसे दाना मिश्रण, हे का मिश्रण, पेड़ों की पत्तियाँ, सूखा चारा, हरी घास है, ये सब उसको वहाँ पे खिला देते हैं। ये तरीका एक्सटेंसिव सिस्टम से अच्छा है, जो पहले वाला सिस्टम जो दूर चराने जाते उससे अच्छा है, क्योंकि इसमें बकरियों का दाने आदि की अतिरिक्त मात्रा भी दे देते हैं, उसमें दाने की अतिरिक्त मात्रा भी इसमें हम दे सकते हैं। अच्छा, इसमें एक काम और करते हैं कि इसमें जो हम ये उसमें दाना खिलाते हैं किसमें, बाड़े में रख के, उसके अलावा जो है उसको एक हेक्टर में चारा बना के, चारागाह बना के, पास में ही एक हेक्टर ज़मीन में चारागाह बना लेते हैं, और उसमें भी उन बकरियों को जो है 16 से लेके 60 बकरियों को एक हेक्टर भूमि पर चरा भी लेते हैं, कुछ घंटे के लिए वहाँ चरा लेते हैं, बाकी टाइम में उनको देते हैं। तो लेकिन ये क्या है, जो इंटेंसिव फीडिंग है ये गरीब बकरी पालने के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक हेक्टर जो है अलग से जो चारा गा पैदा करना उसके लिए उसके बस की बात नहीं है। सेमी इंटेंसिव फीडिंग सिस्टम वो होता है तीसरा, सेमी इंटेंसिव फीडिंग सिस्टम, इसमें बकरियों को भोजन पानी के लिए दूर तक तो कुछ समय के लिए चराने ले जाते हैं, कुछ समय के लिए उनको दूर तक चराने के लिए ले जाते हैं, और बाकी टाइम उसको जो है घर पर रख के हरी घास और चारा वगैरह खिला देते हैं, जो भी दाना वगैरह खिलाना है तो चराने में ले जाते हैं, घर पे भी खिला देते हैं। तो ये क्या है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव मेथड का मिला जुला रूप है। ये तरीका एक्सटेंसिव मेथड से अच्छा है कि बकरियों को अलग से जो है दाने की मात्रा दे सकते हैं। एक होता है टीथरिंग सिस्टम। टीथरिंग सिस्टम में क्या होता है, इसमें किसान अपनी बकरियों को भोजन और पानी के लिए रस्सी से बांध देता है घर पर, इसमें सिर्फ ज़्यादा बकरियाँ नहीं रखता, वो 2-3 बकरियाँ पालता है,
दो तीन बकरियों को एक रस्सी से बांध के रखता है घर पे, और वहीं पे मतलब उसका स्थान बदल देता है, कई बार बकरियों को इस स्थान से दूसरे स्थान पर बदल देता है, और उनमें किसी प्रकार की शरण की व्यवस्था भी किए कर देता है, यानी ऊपर उसके छाया वगैरह भी कर देता है। ये तरीका आसान, सुविधाजनक, सस्ता, घास की वृद्धि पर नियंत्रण, यानी अगर मान लो आपके पास में कहीं पास्चर लैंड है, उसमें घास उग रहा है, तो अगर आप इस तरीके से उसको टीथरिंग मेथड से चराते हो तो वो घास को उगने में टाइम मिल जाता है, उसको घास उग जाता है, वृद्धि कर देता है, नहीं तो बकरियां उसको ख़राब कर देती है। तो ये उसको बकरियों के पालने के चार तरीके हैं। तो ये आपकी बुक में नहीं है, मैंने आपको बता दिया, बाकी मैं आपको जब आपकी क्लासें लगेगी ऑफलाइन तब आपको मैं ये लिखवा भी दूंगा। तो आज ये इतना जो है बकरी पालन के बारे में था। धन्यवाद।